स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं लगभग दो महीने बाद। हाँ, दो महीने हो गए होंगे यार, सब लोग बोल भी रहे थे वैद्य आपने कब से सोलो से स्क्वाड नहीं खेला है। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि आज का जो हमारा गेटअप है, इस गेटअप में आज हम लोग होने वाले हैं अनस्टॉपेबल। अगर अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि बैज भाई ऐसे कैसे, तो भाई मत पूछो, मुझे भी नहीं पता, बस सुन लो ना। सुनने में क्या है, सुन लो। आज हम लोग हैं अनस्टॉपेबल दोस्तों, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद हम लोग खेल रहे हैं। सीधे पुर्गेटरी मैप पे एंट्री हो गई मैं, देखो सुबह सुबह पहला गेम है और पहले गेम में मेरे को पुर्गेटरी मैप भेज देना सोलो स्क्वाड गेम में। अब इससे पहले भी यहाँ पे हमेशा की तरह लोग पहुंच गए हैं, पर अपन टेंशन नहीं लेंगे, अपन जाएंगे अंधाधुन। अरे भाई तेरे को ये घर मिला था क्या? रुक जा। अरे यार तेरे दोस्तों पीछे कूदे हैं, तू स्पेशल है यहाँ पे आने वाला। चल तू यार ये घर लूट ले, मैं वो वाला घर लूटता हूँ, तू पीछे वाला घर आराम से लूट। देखते हैं सबसे पहले बंदूक किसको मिलेगी, मैं ही मारूंगा तेरे को सबसे पहले। रुको जरा, सबर करो, ढूंढने दो। वहाँ पे माल पानी कुछ भी नहीं पड़ा यार। चलो एक छोटी वाली शॉटगन हमको मिली, एकदम छोटी वाली, छोटा मोटा डैमेज तो हम उससे दे ही देंगे। यहाँ पे तो था ना वो, लो भाई पहले भाग गया, टाइम पे पहचान लिया उसने मुझे। क्या फायदा मेरा ये नकाब पहनने का, फिर भी लोग मुझे पहचान ले रहे हैं। मैंने सोचा था यार लोग डर जाते हैं, इसलिए मैंने इस बार नकाब वगैरह पहना था ताकि लोग मुझे पहचाने ना, फिर भी लोग मुझे पहचान ले रहे। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चल सकता दोस्त। चलो भाई चलो, अभी आएगा ना मजा, क्योंकि अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है गोलियां चलना। वक्त आ गया है दोस्तों इस नकाब के अंदर की छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने का। लोगों को ओए शक्तियां बोलते ही गोली मार रहे हैं यार ये लोग। रुक जा, थोड़ा सबर कर, इतनी जल्दी क्या तुझे मरने की यार? ये कौन सी ग्लोबल उठा के ला गया आज मैं? सबसे पहले तो मैं बैठ जाता हूँ यार, कोई पीछे से हेडशॉट मार देगा तो। इस घर में भी कोई है, अभी अभी भागा था कोई, ये देखो आए आप लोग की आवाज़। देखो अब फिर से बाहर कूद गया, अभी बताता हूँ इसको मैं पहले ही। अच्छा वाह यार थॉमसन मिल गई भाई, मौज कर दी। अरे बेटा मौज कर दी, मैं खा देता हूँ तेरे को यार। थोड़ा चला मेरा किल चोरी हो गया, वो देखो अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है दोस्तों इन लोगों का। देख रहे हो घर से बस मारे जा रहे, मेरे किल भी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह इसके पास है ओम, तभी मैं सोचू ये भाग बिटवा नहीं भाग सकते तुम, हमारी ओम लेके तुम भाग ही नहीं सकते, नहीं भाग सकते तुम, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि ओम सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। ये घर वालों का बहुत ड्रामा हो गया, नया नया गेम खेलना सिखाया शायद अभी, अभी बताता हूँ इसको मैं। आ जा बेटे, मेरे कपड़े में चले जा रहे हैं ना दोस्तों ये लोग, मुझे पहचान नहीं रहे, मेरी शक्तियों को इनको अभी अंदाजा है ही नहीं। पीछे से तब से देखे जा रहा हूँ, पीछे से कभी मेरे किल चुरा रहा है, कभी मुझे गोलियां मार रहे हैं। नहीं भाई अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं सीधे अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा, सीधे रश करूंगा। अब आगे बंदे तीन हो या फिर चार, मैं नहीं रुकने वाला हूं। नहीं 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 दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है। ओ माय गॉड यहां तो यार तीन तीन बंदे हैं भाई, भूखे होंगे सबके सब। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी ओम है दोस्तों, इतनी आसानी से कैसे हार जाएंगे। ये गया दूसरा बंदर, आखिरी बंदर है, रिवाइव कर रहा है और रिवाइव कर भी दिया। अच्छा झाड़ बनेगा बेटे, आप बन गया तू झाड़। ओ भाई भाई क्या पड़ा है बच्चे लोगों को ना, शॉर्ट तीनों को यहाँ पे सुला दिया यार। एक इमोजी तो यहाँ पे बनता ही है, इमोट तीनों को, तीन बंदर थे शायद। वैसे मैं भी बंदर वाला करेक्टर लेके आया हूँ, पर मेरा मास्क वाला बंदर है इसलिए मैं जीत गया। इसलिए बोलते दोस्तों आप लोगों को भी कोरोना में मास्क पहनना चाहिए, फिर शक्ति होगा ना, कोई जवाब नहीं होता है। वैसे ये कोरोना वाला मास्क तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा वेट करते दोस्तों, क्या पता इनका लास्ट वाला बंदा भी आ जाए। एक ने तो पहले दम तोड़ दिया, चार किल्स हो गए ब्राजीलिया पे। आप देखते हैं इनके पास क्या। अरे आवाज आ गई, आखिरी बंदा आ गया, MP40 इसके पास। इसका भी चैप्टर क्लोज, MP40 की तगड़ी स्किन थी यार इसके पास, और ये भी ओम लेके घूम रहा है। बताओ हर अगला बंदे के पास ओम है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, सारी बहुत सारी एमओ मिल गई मुझे। और अब दोस्तों हम लोग चलाएंगे डबल स्नाइपर। 5 किल्स हमारे हो गए, अभी भी पूरे 25 बंदे अलाइव, और अभी तो रिवाइवल वाला सिस्टम भी है यार। कितने लोग तो कहीं पता चला ये वाला स्क्वाड फिर से रिवाइव हो गया, फिर तो गलती हो जाएगा। वैसे ये लोग होंगे नहीं क्योंकि चारों के चार मर गए, सारे टीममेट्स में से एक बंदा का जिंदा होना जरूरी होता है, वो रिवाइव करता सबको। डबल स्नाइपर भी दोस्तों मैंने अपने कंधों में लटका लिया, और हम लोग चलते हैं सीधे नीचे वाले एरिया में, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में हम लोगों ने पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया ब्राजीलिया में। अब नीचे वाले एरिया में हमको जाना है और थोड़ा बहुत दबदबा वहां भी बनाना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के, क्योंकि देखो हम लोग 6 मिलियन के कितने करीब है, बहुत ही करीब। बस आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाएंगे झटपट एक चुटकी बजाते ही, जैसे वे चुटकी बजाते हैं हेडशॉट लग जाता है ना AWM से, वैसे चुटकी बजाते ही हमारे 6 मिलियन हो जाएंगे यार। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अरे वाह शेर वो तुम तो। दोस्तों वैसे रिवाइवल वाला जो सिस्टम है ना रैंक्ड गेम है, ये कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग चाहते हैं कि हटे या फिर ऐसे ही रहे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग पसंद है। ये देखो यहाँ पे एक बंदा दिख गया, इसकी पसंद मैं निकालता हूँ। नहीं ये दो बंदे लूट कर रहा है, चल बड़ा हेडशॉट खा ले।
इतने मजे में लूट रहे जैसे कि ब्राजीलिया में इन्होंने कब्जा कर लिया होगा। भाई किंग इज हेयर, द लायन इज हेयर, लायन ऑफ ब्राजीलिया इज हेयर विद डबल स्नाइपर रिवाइव करने की सोच रहा है। अपने पास M82 भी है दोस्त। अभी भागा ना वो दुम दबा के अभी भागा वो, अभी इसने पहचाने हमारी शक्ति को, वरना अभी तक उसको सांस से अटका ली थी और ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा है। लेकिन भाई तुम्हारी ग्लू वॉल हमारी M82 की गोलियों को नहीं रोक सकती, तुम्हारी ग्लू वॉल को वो चीरते हुए सीधे तुम्हारे दिल में लगेगी और तुम कब मर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी फ्लो फ्लो में कितने खतरनाक फिल्मी डायलॉग निकल जाते हैं ना, मुझे भी विश्वास नहीं होता। ये देखो यहाँ पे आई मुझे आवाज उसकी, कहाँ गया भाई तू, चिरकुट सुचुंदर गिरी कर रहा है यहाँ पे, सोच रहा हम लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे, यहीं पे तो है छुपने की जगह, घूम के जाना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा है। नहीं यार यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गया वो, यहीं पे तो आवाज आई थी उसकी यार, यहाँ पे भी छिपा हो सकता है। नहीं यहाँ पे भी नहीं है, ये छुचुंदर तो चटक निकला यार, गंवा दिया मुझे हवा हवा में, आसपास ही होना चाहिए यार, उसको ज्यादा दूर नहीं भाग सकता है। उसने जैसे ही मेरे फुटस्टेप सुने ना वो भी शांत हो गया था, बहुत मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा दोस्तों अब मैं समझ गया वो कहाँ पे है, वो इस टाइम देखो मेरे पास नहीं आ रहा था, पहले मुझे लगा कि वो मेरे से डर रहा था भाग रहा, लेकिन नहीं वो मेरे नाक के नीचे से छिपते हुए बिल्कुल, वो रिवाइवल वाली मशीन है ना वहां पे जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सके, क्योंकि एक को तो मैंने मार ही दिया था और लास्ट वाला बंदा तुरंत भाग गया था उसको रिवाइव करने के लिए। तो मैं भी अब सीधे वहीं पे चलता हूं, देखो सामने एक दुकान है, दुकान दुकान जैसी ही समझ लो उसको, मशीन है ये देखो, ये वाली मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, 100% वो वहीं पर गया होगा, या तो उसी घर के पीछे है या फिर ऊपर वाले फ्लोर में भी हो सकता है, इसने पक्का यहीं से रिवाइव करा होगा अपने दोस्त को, अभी पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। वाह यार यहाँ पे तो ग्रेनेड्स भी है, अपने काम आ जाएंगे। ये देखो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है दोस्तों, यहीं पे है वो बंदा, उसने भी मुझे सुन लिया है। अब मैं करूँगा नेड, सही टाइम पे नेड मिल गया, वरना अभी तक नेड नहीं था हमारे पास। शॉटगन है इसके पास, तो यार यहाँ से आ रही है आवाज़, यहाँ डाल देता हूँ नेड, घूम के आ रहा है, यही छुछुंदर है वो दोस्तों, यही छुछुंदर है। ये देखो आ गया शॉटगन लेके, अरे भाई भाई एक गोली पड़ भी गई मुझे, मेरे ग्लोबल से कंफ्यूज हो गया वो वैसे ग्लोबल सही है। अरे अच्छा वुकोंग बन के अंदर रश करने की सोच रहा था वो, और वुकोंग जैसी वो झाड़ बना ना वैसे उसको झाड़ में हेडशॉट लग गया, हेडशॉट से इससे बात ही नहीं हो रही, ये वाला शॉट तो वैसे ओपी था यार, मजा आ गया। जैसी वो झाड़ बन के अंदर आने लगा वैसे उसको हेडशॉट पड़ गया, अगर वो झांडी बनता ना उसको हेडशॉट नहीं पड़ता, वो भी रो रहा होगा, कह रहा होगा यार मैं झाड़ क्यों बन गया। दोस्त आए इसका, उसका अपना शॉटगन है, चलो भाई ये भी मर गया, बाप रे यार क्या ही ये, इसने पक्का रिवाइव करा होगा बंदा, थोड़े में रह गया। देखो एक शॉटगन की गोली मैंने इससे खाई और एक शॉटगन की गोली इसके पहले वाले दोस्त से, फिर भी मैं बच गया। 8 किल्स हमारे हो गए ब्राजीलिया पे, इसके और टीममेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि 2 को 2 नॉक हुए थे अभी, फिनिश नहीं हुए थे। आज तो सभी लोग ओम चला रहे, क्या इतनी सारी ओम मिल कैसे रही है, ओम और डबल बैरल है सबके पास, लेकिन हम लोग डबल बैरल नहीं चलाएंगे दोस्तों आज, आज हम लोग चलाएंगे डबल AWM। ये चिमकांडे कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, देखो भागने की कोशिश कर रहा था दोबारा से, इससे अच्छा है पैदल भाग जाता है। जैसे वो गाड़ी में बैठा मुझे पता चल गया, उसने कहा भाई गाड़ी वगैरह छोड़ो मैं तो निकल रहा हूँ दोस्तों को रिवाइव करने के लिए। अभी भी उनका एक दोस्त बचा है दोस्तों, हमने 3 ही मारे हैं, एक और होगा आसपास, एक अच्छे से देख लेते हैं, अगल बगल सारी खिड़कियों से देख लेते हैं यार, रिस्क कौन लेगा, क्योंकि आज यार हमको बुया करनी, इतने समय बाद हम लोग खेल रहे हैं और हमने धूम भी मचा दी है AWM से यार, तो इसलिए बुया करना तो बनता ही है। ऊपर चलते हैं जहाँ पे वो भाग रहा था ना उसका दोस्त, वहाँ पे चलता है, शायद वहाँ पर हमें इसका आखिरी टीममेट मिल जाए। तो आई थिंक गाइस वो चौथा वाला बंदा आसपास नहीं है, वरना अभी तक तो वो आ ही जाता, अगर होगा भी तो वो भाग गया होगा। तो मैं ऊपर वाले एरिया में एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम ब्राजीलिया को खाली करते हैं और जोन के हिसाब से देखते हैं कि जोन कहाँ पे बनता है, फिर हम वहीं पे निकलेंगे बाकी के स्क्वाड्स को ढूंढने के लिए। क्या हाल दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का यार, आप लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, ऐसे अकेले मत छोड़ा करो, मेरे को तो डर लग रहा था ब्राजीलिया में आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। वैसे मैंने पूरा एरिया छान दिया यहाँ पे, पर कोई मुझे अभी तक दिखा नहीं है, वैसे तो जोन शुरू हो गया है तो मैं लास्ट एक बार देखना है, क्या पता कोई भागता हुआ दिख जाए जोन से। यहाँ पे एक ड्रॉप था, ये देखो ये रहा ड्रॉप, ओ भाई देखो जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे एक और बंदा आ गया है, इसने मुझे देख लिया क्या, शायद इसने मुझे देख लिया यार, ये तो बहुत गलत हो गया क्योंकि गाइस मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़ी देर में, जोन आ रहा है, अगर जिप लाइन से जाऊँगा तो ये मुझे तुरंत मार देगा, ये तो बहुत गलत सीन हो गया यहाँ पे, शायद इसने मुझे ना देखा हो भी सकता है कि वो अभी तक लूट कर रहा है वहाँ पे मजे से। हाँ वो शायद लूट ही कर रहा था, देखो वो जा रहा है पैदल, नहीं इधर ही आ रहा है, इतने आसानी से नहीं दोस्त वहां पे वो अपना हेलमेट और वेस्ट को अपग्रेड करने लग गया था, शायद उसने मुझे देखा ही नहीं था, अपनी किस्मत सही थी आज। अब मैं तुरंत निकल लेता हूँ जिपलाइन से, इससे पहले किसके और टीममेट्स वहां पे आ जाए मुझे जिपलाइन में ही मार दे, क्योंकि देखो जोन पूरा छोटा हो गया, जोन बना है लास्ट वाले ब्राजीलिया पे, तो टाइम पे ब्राजीलिया के कोई घर पे जाने में ही फायदा है, क्योंकि ड्रोन में तो मुझे वैसे भी कोई दिख नहीं रहा, तो जो भी इसके टीममेट्स होंगे या तो बिल्कुल लास्ट साइड में होंगे या फिर सीधे ब्राजीलिया में हमको वो मिलेंगे। 10 किल्स भी हमारे हो गए, तो बस अब हमको पूरा फोकस करना है भूया पे। अरे पता नहीं पांडा नाम का कोई लॉबी में बंदा आया है,
तब से देख रहा हूँ किल ही किए जा रहा है, इतने सारे किल्स इसने करे ना इस लॉबी में मेरे बाद, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किल उसी ने किए होंगे, करीब 6-7 किल तो उसने करे ही है। इसका मतलब जानते हो दोस्तों क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मेरा दुश्मन बन गया है यार, खतरनाक वाला दुश्मन, क्योंकि उसने मेरे इतने सारे किल चुरा दिए। अगर वो लॉबी में नहीं होता तो शायद मेरे और ज्यादा किल हो जाते, पर कोई नहीं, हम तो भूया ले जाएंगे। और जब हमारी 1v1 होगी आमने सामने, तब उसको हम बताएंगे गाइस असली कौन है खिलाड़ी। ये देखो एक और बंदा आ गया, दो बंदे हैं यहाँ पे, पांडा तो नहीं होगा मुझे लग रहा है, वो पांडा भी हो सकता है वैसे, दोस्त किया है इसका, M2 है मेरे पास गाइस। ओके दोनों किल मुझे मिल गए, शायद दो मुझे एक मिला है, मुझे देखा ही नहीं, हाँ दो मिल गए होंगे वैसे मुझे, क्योंकि पहले मेरे 10 किल थे, बट फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कोई और था, किसी और ने भी गोली मारी थी उनको। देख लेता हूँ खिड़कियों से, इस एरिया से बीमारी हो सकती है, साइलेंसर का कुछ भरोसा नहीं रहता गाइस, पता नहीं कहाँ से गोली पड़ जाए। वैसे दोनों किस से मुझे आ गए हैं, पर फिर भी रिस्क कौन लेगा। ओके पीछे फाइट चली है, देखो पांडा ने दो बंदे और मार दिया यार। ये रहा पांडे वाली स्क्वाड, पांडा की स्क्वाड को अब हमें पांडू बनाना पड़ेगा। अभी हेडशॉट मारता हूँ। ओ भाई, जैसे उसके हेड पे एम लॉक हुआ वैसे ही वो बैठ गया यार, खतरनाक किस्मत थी उसकी भी। अभी वो लोग रस कर रहे हैं मेरे पे, एक तो मैंने खा दिया तुरंत, पूरा लपेट लेते हैं। बढ़िया, एक तो गया, दो और बचे हैं। एक तो पता राइट साइड से भाग के आ गया था, वो मेरे ख्याल से रश करने आया, हीरो बनने आया वो। वैसे ये बहुत चिंता का विषय है यार, अगर उसके पास शॉर्ट रेंज वेपन होगा तो मेरे पास डबल स्नाइपर है। ये नीचे से भागने की सोच रहा है भाई, इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा, सीधे लॉबी भेजूंगा तुझे मैं। ये आया देखो बंदा रश करने के लिए। अरे अरे अरे, फ्लू बॉल फ्लू बॉल, ये लकी प्रो वाली फ्लू बॉल। वो भी कन्फ्यूज हो गया एक पल के लिए। वैसे ये वाली ग्लोबल से हम खड़े होकर मार सकते हैं, पता है फायदा है इसका एक। मैं हील कर लेता है उसको रश करने से पहले। अब मैं शुरू करता हूँ नेट की तैयारी। रश तो नहीं करेगा ना तू? चलो बढ़िया, रश नहीं कर रहा, अब मैं नेट कुक करता हूँ। कहाँ भाग रहे हो चचा, कहाँ भाग रहे हो? ये गया भाई पांडा का पूरा स्क्वाड, लास्ट वाला बंदा पांडा ही था शायद गाइस जिसने रश किया था। तो एक इमोट दिखाना तो बंदा है इनके स्क्वाड को, जो लॉबी में सबसे खतरनाक स्क्वाड थी उसको भी हमने फिनिश कर दिया है। और अब होने वाला है 1v1, जो देखते हैं आखिरी बंदा कहाँ पे मिलेगा हमको और कौन ये गेम को भूया कर पाएगा। लास्ट वाली स्क्वाड यार पांडा की क्या ही, कितनी बुरी तरीके से वैसे मरी ना, एक बंदे ने वहाँ पे गलती करी नीचे जाके, और जैसे वो पेड़ के पीछे अपने को हील करने लगा उतने में मेरा एम में वो आ गया, वहाँ पे पहला डाउन हुआ, दूसरा बंदा हीरो बंती में डाउन हो गया था, और तीसरे बंदा जिसने रश करा पांडा ने उसका तो हमने पांडू ही बना दिया लास्ट टाइम पे। अगर वो डायरेक्ट रश कर देता तो शायद उसके लिए अच्छा रहता, शायद वो मुझे मार पाता क्योंकि मेरे पास डबल स्नाइपर थी, पर वो डर गया, उसने कहा भाई आगे नहीं जा सकता हूँ, प्रो वाली ग्लोबॉल लगी है। ये देखो आखिरी बंदा शायद यहीं पे है, सीक्रेट UFO को ऑन कर देता हूँ, और जो भी यहाँ जहाँ पे भी छुपा हुआ है ना बिल्कुल निकाल देगा उसको बाहर। ये देखो ये रहा वो बंदर, दूर से चमक गया गाइस वो वुकोंग, बिना ड्रोन के दिख गया तो हमको। मेरे ख्याल से ये वाले घर से पक्का आएगा, इसलिए मैं नेट कर देता हूँ यहाँ पे, एक नेट यहाँ पे कर देता हूँ और एक फ्लैश बैंक कर देता हूँ। अरे आगे आ गया, देखो यहाँ पे, ए ये फ्लैश बैंक किसकी टीम में है? यह आया बंदा, और ये फेंका मैंने नेट, 67 का डैमेज लगा। आ जा भाई, ये क्या कर रहा है, मेरे को लगा टीम अप कर रहा था भाई। भाई अभी धोखाधड़ी कर दी थी यार इसने, बच गए हम लोग। और दोस्तों हमारे यहाँ पे हो गई है शानदार बुया, काफी